नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। भारत में पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जबकि लगातार दूसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 2,100 से अधिक लोगों की जान चली गई। भारत में प्रतिदिन तेजी से कोरोना के एक्टिव केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि डरावने हैं। भारत में लगातार बढ़ते पॉजिटिव मामलों के मुकाबले कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर घटकर 85.01% पर पहुंच गई है। अगर वोल्डोमीटर की बात करें तो इसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 2,100 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। अगर बीते 24 घंटे में आए कुल नए केसेस की बात करूं तो 3,15,728 ये मामले सामने आए हैं। अगर मौतों की मैं बात करूं तो 2,102, और भारत में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो है वो 1,59,24,806 हो गया है। भारत में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,84,672 हो गया है। भारत में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,34,39,406 है, और देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 22,84,209 है। पश्चिम बंगाल की 43 सीटों पर छठे दौर का मतदान आज हो रहा है। इस दौर में बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय समेत 306 उम्मीदवारों की परीक्षा है। सुरक्षा के इंतजाम भी सख्त है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1,071 कंपनियां लगाई गई हैं। इस फेज में सबकी नजर मतुआ समुदाय पर है, जो नॉर्थ 24 परगना की 17 और नदिया की 9 सीटों पर खेल बनाने और बिगाड़ने का माद रखते हैं। भारत में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बीते दिन 3,00,000 के करीब संक्रमण के नए मामले दर्ज किए और आज इससे ज्यादा हैं। हालात बेहद चिंताजनक है। ऐसे में कई देशों ने भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रवेश प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसी कड़ी में फ्रांस भी भारत से आने वाले पर्यटकों पर नए प्रवेश प्रतिबंध लगाने जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। ये जानकारी बुधवार को एक अधिकारी ने दी। इससे पहले ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली से आने वाले पर्यटकों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। बता दें कि भारतीय पर्यटकों के प्रवेश पर शनिवार से नए प्रवेश प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। सरकार के प्रवक्ता ग्रेब्रियल अटाल ने भी पुष्टि की है कि फ्रांस घरेलू यात्रा पर 3 मई से लगाए जाने वाले प्रतिबंध को हटाया जाएगा, लेकिन रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा, जो शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक है। उन्होंने कहा कि अप्रैल की शुरुआत में देश में आंशिक रूप से लागू लॉकडाउन के समय से बंद की गई है और गैर जरूरी सामानों की दुकानें मध्य मई से पहले नहीं खुल सकती हैं। दिवंगत शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके वालिया का आज सुबह निधन हो गया। एके वालिया कोरोना से संक्रमित थे। अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वालिया दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। कोरोना संक्रमण से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। देश भर में अब तक 1,82,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 9,00,000 से ज्यादा हो गया है। यहां कल 239 मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की तादाद जो है वो 12,000 से ज्यादा हो गई है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपसे अपील करता है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को जरूर सैनिटाइज करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।